रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का उद्घाटन व जनसभा को संबोधित कल इटखोरी में करेंगे। जी हां, कल इटखोरी में करेंगे और जिसे लेकर के सुबह से ही चतरा सांसद कालीचरण सिंह इसके साथ ही समरिया विधायक किशुन दास समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिन भर लगा रहा। संवाददाता अनुज पांडे ने जाकर हालात का जायजा लिया है, देखिएगा रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV45 और मैं हूं अनुज कुमार पांडे। 19 तारीख से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत भद्रकाली मंदिर की धरती इटखोरी से की जा रही है, जहां पहले माननीय रक्षा मंत्री माता भद्रकाली की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद यहां रथ को रवाना करेंगे और साथ ही जो सभा स्थल है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। क्या कुछ आयोजन है, मैं इसकी जानकारी ले रहा हूं चतरा सांसद कालीचरण सिंह से। सर, क्या कुछ आयोजन है सर, किस तरह की तैयारी इसके लिए की गई है? देखिए, पहले सबसे पहले तो हमारे लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद अपने भारत सरकार के रक्षा मंत्री आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और यहाँ के क्षेत्र के लोग उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। इस राज्य की कुव्यवस्था की जो सरकार है, आलम है ना, उसको मिटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे और जनता को संदेश देंगे। उसके लिए हम सभी लगे हुए, उनका कार्यक्रम है। यहाँ से पूरे झारखंड में छह स्थानों से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रहा है, इस राज्य के अलग अलग कोनों से। तो उसमें भद्रकाली भी एक, जो हजारीबाग पुराना प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर एक विभाग है भारतीय जनता पार्टी के, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, इन जिलों के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री आ रहे हैं। उनके साथ आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल जी मरांडी आ रहे हैं। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री, जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए, आदरणीय तुखन साहू जी हैं, और विपक्ष के नेता आदरणीय अमर भौरी जी हैं। 25 को भी यात्रा निकलने वाली है, जिसमें आदरणीय योगी जी रह सकते हैं, उनका भी कार्यक्रम प्रतापपुर में है। इस तरह से 3-4 यात्राएं इस जिला में होंगी, लेकिन समापन, जैसा कि माननीय सांसद जी बताए, इसका समापन हजारीबाग में होगा, जिसका संबोधन माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। तो आपने देखा कि ये चतरा लोकसभा के सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधानसभा के विधायक किशुन दास, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो कार्यक्रम है परिवर्तन के लिए कार्यक्रम है। इन्होंने एक आरोप लगाया है झारखंड सरकार पर, हेमंत सोरेन पर, कि सरकार जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसे में ये जो परिवर्तन यात्रा है कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना सफल होगा, ये देखने की बात है। अपने कैमरा पर्सन के साथ चतरा से अनुज कुमार।